तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग बात करेंगे लोहारका मीडिया को लेकर के। और ये स्टॉक ना, जैसे कि जब ये स्टॉक इस प्राइस में था, 6.95 रुपये के नीचे डाउन साइड में आता हुआ आ रहा था, उस दौरान हमने वीडियो बना के अपडेट्स दिए थे कि स्विंग ट्रेड स्टॉक के अंदर किया जा सकता है और अच्छा खासा रिटर्न निकाल करके दे सकता है ये स्टॉक। तो डेफिनेटली ये स्टॉक नीचे भी आया। किस प्राइस तक आया? स्टॉक 4.45 तक भी आया था। और अगर हम देखें इस लेवल से, अगर हमें मिला होता स्टॉक, मान के चलिए हमारा एंट्री 4.74 रुपये के लमसम हुआ, ठीक है, तो हमें कौन सा टारगेट मिल सकता है आने वाले टाइम में? मान के चलिए 76 रुपये हमने एंट्री ली, तो आने वाले टाइम में ये टारगेट कम से कम 7 रुपये यानी 48% रिटर्न हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, नेक्स्ट रेड के बाद ग्रीन कैंडल बना हुआ है और बहुत ही जल्द ये सब टारगेट देखने के लिए मिलने वाले हैं। अगर इस लेवल के ऊपर 7.17 रुपये, मतलब 7 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको ये टारगेट दिखला सकता है। ये कितने रुपये का? 7.71 रुपये का टारगेट दिखला सकता है ये स्टॉक आने वाले टाइम में। अभी करंटली ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है और स्टॉक अंदर पॉजिटिव न्यूज़ भी थी। पॉजिटिव न्यूज़ क्या थी कि देखो, स्टॉक भी के हिसाब से ये स्टॉक महंगा है, लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से ये स्टॉक सस्ता है। 23 इंडस्ट्री भी स्टॉक की 99 है। लेकिन स्टॉक अंदर पॉजिटिव न्यूज़ क्या थी ना, कि प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हो रही थी और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 51.50 से 51.53 हो चुका है और स्टॉक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा था। मेन रीज़न ये थी, सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से फॉलो कर रहा था, तो जाहिर सी बात उसके बीच की जो भी गैप है ना वो फील होगी, अपने रेजिस्टेंस को टच करेगी स्टॉक। और क्वार्टरली नतीजे देख लें तो क्वार्टरली 83 लाख का नेट प्रॉफिट आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 24 में। 2023 में 21 लाख का मात्र प्रॉफिट आया था, ठीक है। और नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 61 लाख का नेट प्रॉफिट आया है जून वाले क्वार्टर में, जून 2024 में। 2023 में 16 लाख का आया था और नेट प्रॉफिट जून में। तो कंपनी क्वार्टरली बेस पे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी और ईयरली बेस पे भी परफॉर्मेंस अच्छे खासे करके चल रही। TTM में हमें 1.51 करोड़ का नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। 2024 में 88 लाख का था, 2023 में 1.28 करोड़ का था। तो कहीं ना कहीं कंपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके चल रही है। प्रमोटर की होल्डिंग भी इंक्रीज हो रही है, क्वार्टरली ईयरली बेस परफॉर्मेंस भी अच्छी है। 1.06 करोड़ का आप प्रॉफिट शो कर रहे हैं कहाँ पे? RTDM में 2024 में 61 लाख का, 2023 में 67 लाख का। मतलब तो छोटे मोटे प्रॉफिट आ रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहे हैं, मतलब तो छोटे मोटे प्रॉफिट कंपनी को होते रहते हैं। और इसमें प्लस पॉइंट ये हो गई कि प्रमोटर की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है और स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। मतलब ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, ये दूरी तय कर रहा है। इसमें यहाँ से और यहाँ तक की दूरी तय करने में आपको 50% का रिटर्न आराम से मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से हम स्विंग ट्रेड करके चल सकते हैं स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से। तो बस स्विंग ट्रेड के लिए ही था ये स्टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात याद दिलाते जाते जाते कि हमारे द्वारा कही हुई बातें 100% गलत हो सकती हैं, क्योंकि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। इसलिए जब भी बाय और सेल करें तो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले, उसके बाद ही बाय और सेल करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।